हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आनंद वर्धन के फेमस ध्वनि सिद्धांत की एक डिस्कशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। स्टार्ट करते हैं ध्वनि सिद्धांत। तो जो ध्वनि सिद्धांत है, आनंद वर्धन ने अपनी बुक ध्वन्यलोक में ये सिद्धांत दिया था। ये बुक उन्होंने 850 एडी में लिखी थी। इसमें उन्होंने काव्य के अंदर शब्द की शक्ति को बताया था, वर्ड की पावर को बताया था। वो कहती हैं कि शब्द अपने लिटरल सेंस में, यानी कि वाक्य के अर्थ में काव्य की बॉडी को बनाता है। शब्द काव्य की आत्मा तो है, शब्द काव्य की आत्मा है, पर पोइट्री का एसेंस नहीं है। पोइट्री का एसेंस हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। पोइट्री का एसेंस उस शब्द का एक सजेस्टेड सेंस होता है, जिसे कि हम कहते हैं व्यंजन अर्थ। ये जो सजेस्टेड सेंस है, आनंद वर्धन पोइट्री की जो आत्मा है, काव्य की जो आत्मा है, सोल ऑफ द काव्य, वो इस ध्वनि, इस रेजोनेंस, इस टोन, इस सजेशन को मानते हैं। ये जो ध्वनि है, टोन है, सजेशन है, यही शब्द का सजेस्टेड सेंस है। कव्यस्य आत्मा ध्वनि। आनंद वर्धन ने अपनी पुस्तक ध्वन्यलोक में शब्द के तीन प्रकार के अर्थ बताए हैं। पहला है वास्तु ध्वनि। वास्तु ध्वनि में जब कोई रेयर फैक्ट या आइडिया को बताया जाता है। अलंकार ध्वनि सेकंड है, अलंकार ध्वनि, जिसमें किसी प्रकार के अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच को सजेस्ट किया जाता है। ये दोनों डायरेक्ट मीनिंग द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। तीसरा है रस ध्वनि, जिसमें किसी प्रकार के रस के बारे में बताया जाता है। रस ध्वनि कभी भी शब्द के डायरेक्ट मीनिंग में एक्सप्रेस नहीं होती है। पोइट्री में डायरेक्ट या ऑब्वियस मीनिंग का कोई भी महत्व नहीं है, पर जो वो सजेस्टिव, इनडायरेक्ट, वो इमोटिव मीनिंग होता है ना, पोइट्री में वही मैटर करता है। प्राइमरी या डायरेक्ट मीनिंग को तो सभी समझ जाते हैं, पर वो जो गिफ्टेड पर्सन होते हैं, वो ही सजेस्टेड मीनिंग को समझ पाते हैं, और वो सजेस्टेड मीनिंग को इमेजिनेशन, इंट्यूशन की भावना के साथ ही समझ पाते हैं। किसी भी काव्य के एसेंस को समझने के लिए, उसका इंजॉय करने के लिए आपको शब्दों की नॉलेज हो, यही इनफ नहीं है। इसके लिए आप में एक प्रकार की प्रतिभा, इंट्यूशन भी होनी चाहिए। आनंद वर्धन ने काव्य को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ध्वनि काव्य, अर्थात पोइट्री जो सजेस्ट करती है, इसे उन्होंने ट्रू काव्य या बेस्ट काव्य, उत्तम काव्य भी कहा है। ध्वनि, क्योंकि इस प्रकार के काव्य में ध्वनि जो है वो अनस्पोकन सजेस्टिव एलिमेंट है, जो कि डोमिनेंट है। सेकंड है गुणीभूत वांग्मय काव्य, यानी कि अच्छी प्रकार की कविता, इसे उन्होंने मिडल यानी कि मध्यमा भी कहा है। यहां पर मेन जो है वो है अलंकार। ये स्पोकन और एक्सप्रेस मीनिंग के लिए डेकोरेशन का काम करती है। मेन यहां पर अलंकार है, ध्वनि यहां पर सेकेंडरी है। और थर्ड है चित्र काव्य, ऐसी कविता जिसमें अलग अलग टाइप के पैटर्न्स या ड्राइंग्स होते हैं। इसे सबसे ज्यादा लीस्ट अधम काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी एलिगेंस, एलोब्रेशन के लिए केवल डायलॉग्स पर ही डिपेंड होता है। इसके अंदर पोइट्री की सजेस्टिव पावर्स का अभाव होता है। इसके बाद आनंद वर्धन ने ध्वनि के तीन एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है। पहला है अभिधा। अभिधा बेसिक होती है, बाकी दोनों लक्षणा और व्यंजना इस पर ही निर्भर करती हैं। किसी शब्द को सुनते या पढ़ते ही रीडर या लिसनर उसके इजी या लिटरल कन्वेंशनल मीनिंग को समझ जाता है, तो वहां अभिधा
का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल देखिए, राम इज रीडिंग ए बुक, तो यहां हम समझ जाते हैं कि राम एक बुक पढ़ रहा है, तो यहां पर हमने यूज किया अभिधा शब्द शक्ति। सेकंड वन इज लक्षणा, इसमें शब्दों के लिटरल मीनिंग के बदले उसके लक्षणों, एक्सटर्नल करेक्टर्स के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर अन्य मीनिंग को समझा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज ए टाइगर, राम एक शेर है, मेटाफोरिकल मीनिंग निकला है, लक्षण के आधार पर मीनिंग निकला है। एंड थर्ड वन इज व्यंजना, व्यंजना में शब्द का ऐसा डीप मीनिंग निकलता है जो सजेशन से हमारे सामने आता है। एक सेंटेंस है, इट इज 9 o'clock, अब इट इज 9 o'clock, ये अब 9 बज गए हैं, तो अगर कोई नाइट वॉचमैन है, जब वो ये बात सुनता है इट्स 9 o'clock, मतलब उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है। अगर कोई ऑफिस जाने वाला है, जब वो सुनता है इट्स 9 o'clock, तब उसे लगता है कि ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो सोचती है कि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। जब बच्चे ये सेंटेंस सुनते हैं इट इज 9 o'clock, तो उनको लगता है कि हाँ हमारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है व्यंजना। सजेस्टिव मीनिंग जो है वो तो अभिधा या लक्षणा से निकलता है, लेकिन ग्रामेरियन ये कहते हैं कि जो सफोटा, जिसके बारे में मैंने आपको अलग वीडियो में बताया है, सफोटा सिद्धांत भर्तृहरि जी ने दिया है, वो कहते हैं कि सफोटा व्यंजना है, अभिधा और लक्षणा से ही व्यंजना की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अपनी पुस्तक ध्वन्यलोक में आनंद वर्धन ने जो ओल्ड वे था उसको छोड़कर पोइट्री का जो अध्ययन था वो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से किया, और उसमें बाकी जितने भी स्कूल थे उनके एसेंशियल्स को मिला दिया। उन्होंने रस को महत्व देकर पोइटिक्स की सारी प्रॉब्लम्स की एक नई एक्सप्लेनेशन हमें दे दी। उन्होंने ये बताया था कि अलंकार, रीति और गुण, इनका महत्व केवल ध्वनि के कॉन्टेक्स्ट में ही है, और ध्वनि जो है वो ही सोल ऑफ काव्य है। सो आई होप फ्रेंड्स, मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।